चलिए, तो कल हमने आपको बताया था शास्त्र के बारे में कि शास्त्र का मतलब शस, शस से मतलब अनुशासन, और अनुशासन जो है वो नियंत्रण पैदा करता है, जो नियम है वो नियंत्रण पैदा करते हैं, और नियंत्रण से क्या फ़ायदा होता है कि हमें बड़े आसानी से अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि मुझे बताया था कल मैंने बड़ी चौपड़ जाना हो तो अगर ट्रैफिक नियम होंगे तो मैं आराम से पहुंच जाऊंगा, और अगर सब लोग पालन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। परंतु अगर प्रभु जी कुछ करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तभी तो प्रॉब्लम होती है, और अगर कोई नहीं करेगा प्रभु जी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और आज अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, आज विश्व के अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा प्रभु जी, आज विश्व में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग कोई ना कोई नियम तोड़ रहे हैं। अमेरिका में लोग बड़े अच्छी तरह नियम पालन करते हैं, एकदम रेड लाइट पे रुक जाएंगे, हरे पे चलेंगे, हैं प्रभु जी, बड़ा ध्यान से नियम पालन करते हैं, परंतु भगवान का नियम तोड़ दिया इसलिए बेड़ा गर्ग हो गया। हमारे शास्त्रों में तीन चीज कही गई, क्या, अग्नि जहाँ लग जाए जहाँ नहीं लगनी चाहिए, बीमारी हो जाए और उधारी हो जाए, इसको होते ही क्या करो, ख़त्म करो। और हमारा जीवन में क्या हो गया है, उधारी, देखो हालत, एक बदमाश देश ने हमारा सबका सत्यानाश मार दिया, और वहीं भेजते हैं अपने बच्चों को, अमेरिका जा रहा है, नर्क जा रहा है, कितने खुश हो रहे हैं, सवा ताली बजा रहे हैं, गले में माला पहना रहे हैं। अमेरिका के अंदर आज से 25-30 साल पहले डॉक्टर्स में सबसे अच्छा धंधा था डेंटिस्ट का, दांतों के डॉक्टर का, क्योंकि वहाँ चॉकलेट लोग बहुत खाते थे। और आपकी जानकारी के लिए 5 साल पहले जो आए हैं फिगर्स, उसमें कहा गया है सबसे अच्छा धंधा चलता है साइकाटिस्ट का। और साइकाटिस्ट को अगर किसी पागल, किसी को बताओगे गांव वाले को, क्या पागलों के डॉक्टर का धंधा सबसे अच्छा चलता है वहाँ, तो बताइए प्रभु जी ये सोसाइटी बढ़ी है कि गिर गई है। आपकी जानकारी के लिए अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर 85% लोग, 85% लोग जीवन में एक बार पागलों के डॉक्टर के पास जाते हैं। और उस समाज के अंदर हम अपने बच्चों को भेजते हैं कि तू भी पागल बन के आइयो बेटा, और अपने आप को समझते हैं हम बहुत अकलमंद हो गया। 85% लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं ये, 85% अमेरिकन जाते हैं। आपने सुना था प्रभु जी, आज देखिए आप अमेरिकन के अंदर इंडियंस, आपने हिंदुस्तान में कभी नहीं सुना होगा कि व्यक्ति अपने पत्नी को भी मार रहा है, अपने बच्चों को भी मार रहा है, और वहां अमेरिका में जाके हिंदुस्तानी अपने पत्नी को भी मार रहे हैं, अपने बच्चों को भी मार रहे हैं, कभी ऐसा सुना था आपने? वही बीमारी हमें लग रही है। किसकी तरफ आप देख रहे हो? मैक्लॉय ने कहा था 1850 के अंदर जब वो आया हुआ था हिंदुस्तान, तो उसने कहा था आई ट्रेवल्ड दी लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, मतलब मैंने ऊपर से लेके नीचे तक, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक घूमा, परंतु मैंने एक भिखारी नहीं देखा, मैंने एक भिखारी नहीं देखा। ये उसने लेटर लिखा था पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेटर लिखा था 1850 के अंदर कि मैंने ये ट्रेवल किया है और मैंने किसी व्यक्ति को दुखी नहीं देखा, सब संतोषी थे, चाहे पैसा था किसी के पास कम था ज़्यादा था, परंतु मैंने दुखी नहीं देखा। और उसने लिखा है इन लोगों के पास वो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान मैंने कभी देखा नहीं है, लोग अपने जीवन में लगाते हैं और इनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, इनको अपनी ज्ञान के प्रति जो आसक्ति है उसको तोड़ना पड़ेगा, और वो सफल हो गए, और आज वो सफल हो गए हैं उसमें। आज हमारी सारी, हम लोग जिस चीज को छोड़ रहे हैं, आज अमेरिका के अंदर 75% एमएनसीज जो हैं वो गीता को अपने मैनेजमेंट के अंदर लगाना चाहती हैं क्योंकि वो फेल हो चुके हैं। कितने परसेंट प्रभु जी? फिर भी मैं 15% कम बता रहा हूं आपको जानबूझ के, अगर आप स्टैटिक्स में जाओगे तो 90% आया है, परंतु मैंने कहा यार हो सकता है गोली दे रहा हो तो 75 कर दो, हिंदुस्तानी हूं ना, थोड़ा कंजर्वेटिव हूं, कंजर्वेटिव फिगर्स लेके चलता हूँ। और ये मुझे टॉप एक आईटी प्रोफेशनल में गुड़गांव से मुझे ईमेल किया था क्योंकि मेरी चर्चा हुई थी उससे एक बार, तो उसने कहा था आपकी बातें जितनी हैं वो सब सही निकल रही हैं अब। मैंने कहा मैंने नहीं कही कुछ भी भाई, हम तो गीता की बात को दोहरा रहे हैं। आज उसी ज्ञान को आप छोड़ने के चक्कर में लगे हैं, आज इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमने उन नियमों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया।